बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कैसर अली और मैं आपको अपने चैनल मिस्टर कंप्यूटर में खुश आमदीन कहता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं वो है ब्लॉग के मतलब कि हम अपने ब्लॉग में इस तरह के पेज किस तरह बना सकते हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि ये होम है, हम होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ होम पर आ जाते हैं। अगर हम वीडियो पर क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियो सामने आ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने ब्लॉग में इस तरह के पेज बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा ब्लॉग है। यहाँ पर जैसे कि ये होम है, यहाँ पर हम होम पर आते हैं तो आप देख सकते हैं। ये जितनी पोस्टें की हुई हैं वो यहाँ होम पे आ गई हैं। अगर हम यहाँ पे YouTube पे क्लिक करते हैं तो मैं जितनी भी अपने YouTube की वीडियो बनाता हूँ वो यहाँ पोस्ट कर देता हूँ, आपको यहाँ से वीडियो मिल सकती हैं। अगर हम कुरान पाक पर क्लिक करते हैं, कुरान पाक की जितनी पोस्ट हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी। इस तरह गेम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, जो भी इस तरह के मैं आपको पेज में आ सकूँगा जिस तरह के ये पेज बड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक पोस्ट करेंगे। वेलकम माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। ये हमने एक पोस्ट बना ली, इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये पब्लिश हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे कोई अभी पेज नहीं है क्योंकि हमने अभी पेज बनाया नहीं है। तो हम जाएंगे लेआउट में, यहाँ हेडर के नीचे ऐड ए गैजेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पेजेस, पेजेस पे क्लिक कीजिए। ये लिखा हुआ होम, हमने इसे ऐसे ही सेव कर देना है, कुछ नहीं करना, कोई तब्दीली नहीं करनी, कोई यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इसे, सेव अरेंजमेंट, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं होम का बटन यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरह का हम एक और आगे, ये तो आगे होम, आगे हमने कैटेगरी बढ़ानी है। हमने अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिए हमें मुख्तलिफ पेजेस की ज़रूरत है जिसमें हम अपनी वीडियोज़ रख सकें, गेमें वगैरह ये वो जो भी है वो हम इसमें रख सकें, तो वो अलग अलग पेज की ज़रूरत होगी। तो हम उन पेज को कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे न्यू पोस्ट, यहाँ पे मिस्टर कंप्यूटर, यहाँ पे चैनल आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और नया पेज यहाँ पर बनाना है, तो हम उस यहाँ पे लेबल पे जाएंगे, ये साइड पे आप देख रहे हैं, लेबल पे जाएंगे तो और हम अपने पेज का नाम रखेंगे
एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर डन कर देंगे, सेव करेंगे और पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये आ गया आपके सामने, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका जो आगे इसकी नई विंडो खुलेगी उसका हम URL यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद लेआउट में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे और यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो जो हमने वहाँ से URL कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और जो हमने वहाँ पे नाम रखा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और सेव लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। ये सेव हो गया, ये देखिए यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद सेव अरेंजमेंट, उसके बाद हम जाएंगे ब्लॉग में और इसे करेंगे रिफ्रेश। ये आप देख रहे हैं मिस्टर कंप्यूटर हमारा दूसरा पेज आ चुका है और हमने जो इसमें पोस्ट की थी वो भी आ गई। मिस्टर कंप्यूटर प्लीज माई लाइक माई वीडियो कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम देख सकते हैं इस तरह हम जितने भी यहाँ पर पेज बनाना चाहते हैं वो हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से आपने एक न्यू पोस्ट लेनी है, वो पोस्ट जो आप यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश करके उसी पोस्ट को आपने क्लिक करना है। क्लिक करके उसका जो अगला पेज खुलेगा उसका जो URL होगा वो आपने यहाँ से उठा लेना है, कॉपी करना है। उसके बाद आपने आ जाना लेआउट में जहाँ पर पेज पे आपने क्लिक करना है एडिट पे और उसका जो URL होगा यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे आपने इसको हटा देना है जो पहले है, इसको आपने डिलीट कर देना है और उसका URL आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद कर देना है सेव लिंक, वो यहाँ पे आ जाएगा जिसके नीचे और यहाँ पे भी आपने कर देना सेव, यहाँ पे आपने कर देना सेव अरेंजमेंट। और जब आप यहाँ पर आकर अपने ब्लॉग को दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दिखने पर यहाँ पर आपका वो जो तीसरा होगा पेज वो यहाँ पर आ चुका होगा। उससे आगे आप जितने मर्जी बना लें और इनमें आपने वीडियोज़ कैसे अपलोड करनी है ब्लॉग पर, सॉफ्टवेयर गेम्स जो भी आपने इसमें अपलोड करना हो वो आप मेरी दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ब्लॉग बनाते कैसे हैं वो भी आप देख सकते हैं और इसको एडिशन से जोड़ना कैसे है और इस पर आपने इश्तहारत कैसे लेने हैं वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरी आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, तो मुझे पूरा उम्मीद फुल उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको समझ लग गई होगी कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है और किस तरह से काम किया है इस पर। तो दोस्तों जाते वक्त मैं आप सब दोस्तों से दोबारा गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो जितनी भी हैं वो ध्यान से देखें और आपको इंशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से समझ आएगी। मैंने जो भी वीडियो बनाई है वो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सही तरीके से बनाई ताकि आपको बिल्कुल वाजह तौर पर समय लग सके। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और आप खुद और अपने दोस्तों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए और अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।